तो हेलो गाइस, मैं विनोद मालवीय VM एडिटर यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, और फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, इस प्रकार से फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। गाइस, ओपन करने के बाद गाइस इस प्रकार का एक बैकग्राउंड लेना है। तो गाइस, बैकग्राउंड का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ओपन करने के बटन को स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे गाइस, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे एड फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैलरी ओपन हो जाती है यहाँ पे। यहाँ से गैलरी ओपन होने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऐड करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद गाइस, ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे फ़ोटो एक, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो अपन चलेंगे यहाँ पे कैंची वाले बटन पर, कटआउट पर क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, अपन प्रश्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रश्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे कुछ समय प्रोसेस लगेगी। उसके बाद गाइस, यहाँ पे कुछ पार्ट्स जैसे गिर जाते हैं तो रिस्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेना आप इस प्रकार से गाइस, ऐसे। ओके गाइस, तो यहाँ पे गाइस आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अच्छे से ये इस प्रकार से मैनेज हो जाएगा। ड्रॉ करने के बाद गाइस, यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे कोने पे। तो यहाँ पे गाइस कुछ समय प्रोसेस लग रही है, देखिए। उसके बाद अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। तो यहाँ पे गाइस इस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे। करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको जाना स्टिकर वाले ऑप्शन पे। तो गाइस, आपका मोबाइल डाटा ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ से चलेंगे स्टिकर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अपन सेंट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे शेडो PNG, तो इसको पहले से ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ से गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे करने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे अपन, उसके बाद इसको मूव डाउन कर देंगे, ठीक है गाइस। फिर से प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से अगेन स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये यूट्यूब का स्टिक, ये टेस्ट PNG, तो इसको भी ऐड कर लेंगे गाइस यहाँ से। यहाँ पे गाइस इसको यहाँ पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके गाइस, यहाँ पे रखेंगे गाइस इस प्रकार से, हल्का सा और छोटा कर देंगे, इतना रखेंगे गाइस। फिर से अगेन PNG ऐड करेंगे यहाँ से, प्लस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, ये यूट्यूब का लोगो है यहाँ से, तो इसको भी ऐड कर लेता हूँ गाइस। इसको गाइस यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे अपन यहाँ पे गाइस, इस प्रकार से गाइस, देखिए कितना औसम सा लग रहा है। तो गाइस, जितना काम करने के बाद यहाँ पे गाइस एक और PNG है, तो उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो वो है अपने जो यूट्यूब प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने पहले से, तो इसको मैं ऐड करूँगा यहाँ से। तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ से। उसके बाद यहाँ गैलरी ओपन हो जाती है, तो गैलरी में से आपको यहाँ पे गाइस उसको ले लेना है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ गाइस। तो गाइस, आप भी पहले से यूट्यूब या इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना गाइस यहाँ से। तो ऐड करेंगे इसको मैं, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, इसको पहले तो क्रॉप करेंगे यहाँ से, क्रॉप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हल्का सा ऊपर सका जो पार्ट है, इसको इस प्रकार से क्रॉप करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे गाइस, राइट क्लिक कर देंगे यहाँ से। तो गाइस, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ पे मैनेज करने के बाद बड़ा कर लेंगे यहाँ पे गाइस कुछ इस प्रकार से। ओके गाइस, बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ से इसको मूव डाउन कर देंगे लेयर पे क्लिक करने के बाद। इस प्रकार से मूव डाउन करने के बाद गाइस, यहाँ पे ऑप्शन को स्क्रॉल करेंगे, ब्लेडिंग मोड देखेंगे यहाँ से, तो मल्टीपल कर देंगे इसको, ठीक है गाइस। मल्टीपल करने के बाद देखिए कितना ओसम सा लग रहा है अपना फोटो। ओसम सा लगने के बाद गाइस, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे कोने पे ऊपर। तो गाइस, देखिए कितना मस्त है, एकदम मस्त बिंदास तरीके से लग रहा है अपना फोटो, है ना गाइस। तो यहाँ से गाइस अब चलेंगे अपन इफेक्ट वाला ऑप्शन पे कलर ग्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ कलर वाला ऑप्शन मिल जाता है अपने को लास्ट में। उसके बाद यहाँ सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाता है गाइस अपने को। सेचुरेशन का ऑप्शन मिलने के बाद गाइस, इसके अमाउंट को अपन 50 लग कर देंगे यहाँ से। उसके बाद फिर से राइट क्लिक कर देंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पे कुछ समय प्रोसेस लगने के बाद देखिए कितना औसम सा अपना फोटो बनकर तैयार हो गया, है ना गाइस। तो गाइस, ऐसे ही फोटो एडिटिंग सीखने के लिए अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, और एक लाइक तो जरूर करके जाना, है ना गाइस। तो यहाँ से गाइस
इसको सेव करेंगे, उल्टे तीर वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। धन्यवाद गाइस, थैंक यू वॉच के लिए।